नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस रामगढ़ में। तो दोस्तों, झारखंड में जो है बहुत जल्द यहाँ पे 71,000 से ज़्यादा पदों की यहाँ पे बहाली होने वाली है और इसके रिलेटेड में जो है यहाँ पे एक न्यूज़ प्रकाशित की गई है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट निकाली जाएगी इसके निम्नवाले जो विभाग स्तर पर इसकी प्रस्तावना जो है यहाँ पे मंत्री को भेज दी गई है। तो चलिए, क्या खबर है, पूरी डिटेल्स जो है इसकी ऑफिशियल जो खबर यहाँ पे प्रकाशित की गई है उसको ओपन करके सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आप लाइक कर दें और वीडियो थोड़ी सी भी अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन होगा उसको भी क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आएगी या फिर झारखंड के गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए दोस्तों, ये जो है आज की न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है कि प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के 71,000 पद सृजन का प्रस्ताव तैयार। तो जो झारखंड के प्राथमिक व जो मध्य विद्यालय हैं इन सभी में जो है शिक्षकों के 71,000 पद का जो है सृजन का प्रस्ताव को यहाँ पे जो है तैयार किया गया है। जो स्कूली शिक्षा एवं जो साक्षरता विभाग है इन्होंने जो है शिक्षा मंत्री जो जगन्नाथ माथुर हैं उनको जो है प्रस्ताव भेजा है, ठीक है। एंड आगे में आप देख पा रहे कि यहाँ पे जो मेंशंस की गई कि राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में लगभग 71,000 पद सृजित करने की तैयारी है। राज्य गठन के बाद पहली बार शिक्षकों की पद सृजित किया जाएगा। तो जिस दिन से जो है राज्य का गठन हुआ है उस दिन से जो है पहली बार शिक्षकों की पद का यहाँ पे जो है सृजित किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो को भेजा गया है। विद्यालयों में पद सृजन शिक्षा का अधिकार अधिनियम व छात्र शिक्षक अनुपात को आधार बनाकर करने का प्रस्ताव तैयार किया गया। गत 20 वर्षों में राज्य स्कूल व विद्यार्थियों की संख्या तो दुगुनी हुई पर शिक्षकों की पद सृजित नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो 20 वर्षों से जो झारखंड राज्य में स्कूल और जो विद्यार्थी है इन सभी की संख्या जो है यहाँ पे दुगुनी हो गई, लेकिन जो शिक्षकों की जो पद है इसको अभी तक जो है सृजित नहीं किया गया, जिससे बच्चों की पढ़ाई जो है प्रभावित हो रही है। पहले झारखंड में जो है 20,377 सरकारी विद्यालय थे, आज इसकी संख्या बढ़कर जो है 35,477 हो गई है। तो पहले जो है झारखंड में जो सरकारी विद्यालय थे यहाँ पे 20,377 थी और इस अब भी जो है यहाँ पे 35,477 यहाँ पे जो है सरकारी विद्यालय झारखंड में है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर एक किलोमीटर पर जो है प्राथमिक विद्यालय व 3 किलोमीटर में जो है मध्य विद्यालय खोले गए हैं। प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में अपग्रेडेड किया गया। मध्य विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के 3 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक का होना अनिवार्य है। विद्यालयों में पद का सृजन नहीं हुआ है। आगे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जो पारा शिक्षक के लिए जो है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पे निकाली गई है। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे जो है लिखी गई है कि पारा शिक्षक बन जाएंगे सरकारी शिक्षक। तो जो पारा शिक्षक है वे सभी जो है यहाँ पे सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। इसके संबंधित में आगे में यहाँ पे लिखी गई है कि पद सृजन के बाद शिक्षकों की नियुक्ति होने से आधे से अधिक पारा शिक्षक सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में 50% पद पर पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पे जो नियमावली तैयार की गई है इसमें 50% जो पद है पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है और 71,000 पद सृजन के बाद नियुक्ति से 35,000 पारा शिक्षक सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। इसके अलावा प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में फिलहाल 22,728 पद रिक्त है। तो यहाँ पे जो 71,000 पद का यहाँ पे सृजन का प्रस्ताव यहाँ पे भेजी गई है इसके नियुक्ति के बाद यहाँ पे देख पा रहे हो कि 35,000 पारा शिक्षक जो है सरकारी शिक्षक यहाँ पे बन जाएंगे। इसके अलावा भी जो है जो प्राथमिक व मध्य विद्यालय हैं इसमें फिलहाल जो है 22,728 पद यहाँ पे रिक्त हैं। तो यहाँ पे 35,000 जो पारा शिक्षक होंगे ये सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। इसके बाद भी जो है प्राथमिक और जो मध्य विद्यालय हैं इन सभी में जो है 22,728 पद यहाँ पे रिक्त है। नियमावली का ड्राफ्ट फाइनल, तो जो यहाँ पे नियमावली का ड्राफ्ट फाइनल के संबंधित में यहाँ पे जो है प्रकाशित की गई है कि प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमावली का प्रस्ताव भी विभाग के स्तर पर तैयार कर लिया गया है। नियमावली शिक्षा मंत्री को भेजी गई। तो यहाँ पे जो नियमावली है शिक्षा मंत्री जो जगन्नाथ माथुर है उसको यहाँ पे जो है प्रस्ताव भेजी गई है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से जो है इन सभी पदों का यहाँ पे सृजन होगी।
उसके अंतर्गत यहाँ पे जो है बतलाई गई कि इंटर प्रशिक्षित यहाँ पे जो है स्वीकृत पद है 53,352 यहाँ पे जो है स्वीकृत पद है, जिसमें कि कार्यरत यहाँ पे जो यहाँ पे शिक्षक कर्मी है 35,517 यहाँ पे जो है अभी कार्यरत हैं, एंड रिक्त जो है 17,835 यहाँ पे रिक्त है इंटर प्रशिक्षित के लिए, एंड RTI के अनुसार जो है 88,309 यहाँ पे पोस्ट है। आवश्यकता यहाँ पे जो आप इंटर प्रशिक्षित की जो आवश्यकता है 34,957 यहाँ पे जो है पोस्ट की यहाँ पे आवश्यकता है, एंड स्नातक प्रशिक्षित के लिए यानी कि ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएशन यहाँ पे होंगे इन सभी के प्रशिक्षित के लिए जो है स्वीकृत यहाँ पे पद जो है यहाँ पे बतलाई गई है 10,782 पद यहाँ पे जो है स्वीकृत पद है, जिसमें कि कार्यरत यहाँ पे जो है 5,889 यहाँ पे कार्यरत शिक्षक है, एंड टोटल यहाँ पे जो रिक्त है यहाँ पे स्नातक प्रशिक्षित के रूप में जो पोस्ट में 4,893 यहाँ पे जो है टोटल यहाँ पे रिक्त है स्नातक प्रशिक्षित के लिए, एंड आवश्यकता है 36,954 की पोस्ट की यहाँ पे जो है आवश्यकता है। तो टोटल आप देख पा रहे हो कि इसमें जो टोटल आवश्यकता यहाँ पे बताई गई है 71,911 पोस्ट की जो है शिक्षक की यहाँ पे आवश्यकता है। तो इस प्रकार से जो है सभी पदों का यहाँ पे सभी शिक्षक की यहाँ पे जो है सृजन होनी है, ठीक है।